अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है साथ मोटर शोरूम की तरफ से। यार जिस गाड़ी की रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो है वेड्स, ब्लैक कलर में है, 2009 मॉडल है। ये देख सकते हैं आप लोग, ब्लैक कलर में इसका फ्रंट व्यू। ये इसकी साइड पे आते हैं, इसका राइट साइड कोई डेंट पेंट नहीं है इसमें, गाड़ी अच्छी गाड़ी है। थोड़ी सी लकीर वगैरह है, ये देख सकते हैं आप लोग, वो भी अपने जेन्युइन कलर में। टायर नॉर्मल है और ये इसका बैक व्यू, इसके साथ पार्किंग कैमरा भी लगा हुआ है और स्पॉइलर भी आया है इसमें। ये इसका रूफ छत, इसके लेफ्ट साइड और गाड़ी जो है वो कीलेस एंट्री है, रिमोट पे ऑन ऑफ होती है। गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और ये इसके लाइट्स एचएडी लाइट्स है, एचएडी लाइट में आई है और रिट्रैक्टेबल मिरर्स है लॉक अनलॉक के साथ, ये खुद ही ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल हो जाते हैं गाड़ी के लॉक अनलॉक के होने से। इंटीरियर भी इसका ब्लैक है और काफ़ी अच्छी सीट्स इंटीरियर में आए हैं, ये काफ़ी नए सीट्स हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी साउंड भी चेक करते हैं और इंजन ब्रेक भी देखते हैं, डिग्गी वगैरह इसका। तो इसमें एक आर्मरेस्ट भी आया है, कैप्सूल टाइप स्टोरेज के लिए, कप होल्डर के लिए। ये देखते हैं इसका इंजन, के इंजन किस कंडीशन में है और साउंड तो काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ओके है साउंड। ये देख सकते हैं आप लोग, न्यू बैटरी लगी हुई है और इंजन जो है वो 1300 सीसी का है, 1300 सीसी इंजन है। कोई माइनर एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल अपनी हालत में है गाड़ी, कोई तैवानी सामान कुछ भी नहीं लगा हुआ। तेरह सौ सी सी 2009 मॉडल है। इसके डिग्गी भी देखते हैं कि किस कंडीशन में है। ये देख ले, और ये भी फोल्डेबल सीट्स हैं, एड्रेस पे है इसमें, और ये फोल्ड भी होते रहते हैं, फोल्डेबल सीट्स हैं। ठीक हो गया, इसका एसी वगैरह देखते हैं कि एसी स्टार्ट है या नहीं है, इंटरनल व्यू देखते हैं इसका। बिल्कुल एसी स्टार्ट है, इस पर एसी ओके है। चिली कितनी है, ओडो इसकी कितनी है, 1,12,334। चिली भी इतनी नहीं है, काफ़ी न्यू कंडीशन है गाड़ी की और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है सामान के लिए, कप होल्डर, ये भी लगेज है और ये भी कप होल्डर, फाइल के लिए, कॉइन के लिए। और अच्छा पुश स्टार्ट है और रिट्रैक्टेबल मिरर्स, एडजस्टर ठीक है, ये भी लगेज है, ये भी इस साइड पे भी और उस साइड पे भी है, और ट्यूटर्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स भी हैं इस गाड़ी के, 1300 सीसी में है तो काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज है इसकी और पिक भी अच्छी है। और इसके साथ साथ इसकी इंटरनल रूम भी काफ़ी क्लीन है और
और स्टीरियो स्पीकर्स आए हुए हैं, ज़बरदस्त स्पीकर्स है इसके। ड्राइव में भी अच्छी है, फ्यूल कंजम्पशन भी इसकी अच्छी है क्योंकि 1300 cc में आई है गाड़ी, तो बेस्ट फ्यूल माइलेज के लिए से ज़बरदस्त है इसकी। और इसकी जो प्राइस डिमांड हम लोग कर रहे हैं वो है 9,30,000, इसकी प्राइस डिमांड 9,30,000 रुपये है और इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी। इसके अलावा आप गाड़ी देख सकते हैं साथ मोटर शोरूम ताना बाईपास GT रोड पर, विज़िट भी कर सकते हैं और स्क्रीन पे हमारा नंबर भी है तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इसमें स्क्रीन भी आया हुआ है, ठीक हो गया, पार्किंग कैमरा भी है, बैक व्यू पार्किंग कैमरा भी लगा हुआ है, ठीक हो गया। इंजन की साउंड काफ़ी ज़बरदस्त साउंड है इसमें, बिल्कुल ओके इंजन है। अच्छा, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक का बटन भी दबाएं। और ये देख लिया आपने गाड़ी, काफ़ी अच्छी लुक है इस गाड़ी की, साथ में दूसरी वीड्स भी खड़ी है फरल वाइट कलर में। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में और गाड़ी के रिव्यू भी करेंगे। एक्सयू भी आई है, 2012-13 मॉडल है, न्यू शेप वाली एक्सयू है, इसकी भी रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। जी करोला भी आई है, प्रियस 2006 मॉडल भी आई है, मीरा भी आई है 2014 मॉडल, फुल ऑप्शन गाड़ी है, प्रियस भी आई हुई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक एक की रिव्यू करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।